क्या चिकन टिक्का और चाइनीज़ और क्या ये जिंगर बर्गर वगैरह बहुत अच्छा है। क्या पसंद है आप? बारबेक्यू में हर चीज़ रेशमी कबाब होते हैं, यहाँ की सीख बोटी, सीख कबाब काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा नहीं मज़े का, हम काफ़ी दफ़ा आए हैं यहाँ नीचे, लेकिन ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं। ऊपर कैसा लग रहा है छत पे बैठ के खाने का? मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी हवा है, ऊपर खाने में सुकून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कारून शफीक और आप देख रहे हैं मुझे ही दमदार पॉइंट के बिहार से। आज मैं आपको, ये कोई फूड स्ट्रीट तो है नहीं, आज मैं आपको लेके आया हूं ये एक बहुत ही माशाल्लाह से हैदर फूड्स पे, और यहां पे फ़िश भी मिलती है, यहाँ पर फ़ास्ट फूड भी मिलता है, यहाँ पर जो है बारबेक्यू के आइटम भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है, पिज़्ज़ा भी मिलता है, हलीम भी मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। हर चीज़ मैं आपको खिलाने लाया हूँ, एक्चुअली यहाँ पर जो मैं आपको खिलाने लाया हूँ वो है प्लेटर, और यहाँ का जो प्लेटर है वो मैं आपको दे रहा हूँ एक बड़े ही डिस्काउंट के साथ और बेहतरीन ऑफर के साथ। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि लोकेशन भी आपको क्लियर हो जाए, जो कि शादमान का रोड है। तो खैर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि आज आपको मैं क्या खिलाने लाया हूँ, आइए मेरे साथ। दो ये लगी। अभी कौन कौन सी लगी है तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। भाई जरा दिखाना कौन कौन सी सीख है। ये कौन सी है? चिकन ब्रोस। अच्छा चिकन बोटी, मैं समझा ब्रोस। अच्छा चिकन बोटी आ गई, दो सीखे। उसके बाद मलाई बोटी आ गई, ठीक है जी, दो सीखे मलाई बोटी आ गई। फिर दो सीखे रेशमी कबाब आ गए, ठीक है जी। फिर अच्छा सीना आ गया, चेस्ट बीफ कबाब होगा, दो सीखे, सही है। चेस्ट टिक्का। अच्छा ये क्योंकि बड़ा प्लेटर बनने जा रहा है और बड़े प्लेटर के जो प्राइस अलग हैं, छोटे के अलग हैं। उसके बाद जो है आ गए हैं कबाब, और ये हैं सीख कबाब। सीख कबाब लगा रहे हैं और दो आप देख रहे हैं, दो सीख कबाब आ गए। उसके बाद दो जो हैं इसमें लग रहे हैं, ये हैं रेशमी कबाब, दो आ गए हैं भाई रेशमी कबाब रेडी। उसके बाद आ गए चिकन बिहारी बोटी, दो सीखे आ गई हैं और टूट के बड़ी सुखड़ सी गई हैं, लेकिन माशाल्लाह पूरी ओवरलोडेड है। दो सीखे आ गई, उसके बाद दो सीखे अभी और ऐड होने वाली, वो भी आपको दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद आ गई ये मलाई बोटी, और मलाई बोटी गर्मा गर्म आप देख रहे हैं भाई, ओवरलोड कर दिया गया है मलाई बोटी। ये आपके सामने दो मलाई बोटी, दो जो है रेशमी कबाब, दो बिहारी बोटी, उसके बाद दो सीख कबाब और दो सॉरी दो नहीं है, एक चेस्ट टिक्का आ गया है। ये प्लेटर आपको जो बता चुका हूँ, ये पूरा कंप्लीट प्लेटर आपके सामने आ चुका होगा, जो कि 2000 रुपये का, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा जस्ट ओनली 1800 रुपये का। और उसके साथ साथ आपको मिलेंगे भाई लार्ज पराठे, दो लार्ज पराठे, और उसके अलावा दो चपातियाँ भी आपको मिल रही हैं। ये सब आपको पूरा कम्प्लीट प्लेटर 2000 रुपये की बजाय आपको डिस्काउंट पर मिलेगा 1800 रुपये का। और इसी का अगर आप छोटा लेंगे तो छोटा प्लेटर आपको 1000 रुपये का पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो भी 900 रुपये का मिलेगा। ये जो दो सीखे थी, सारी सीखे एक हो जाएंगी, और चेस्ट की जगह पे लेग टिक्का मिलेगा, दो पराठों की जगह पे एक पराठा मिलेगा, दो चपाती की जगह पे एक चपाती मिलेगी, और आपको 900 रुपये का बेहतरीन प्लेटर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, खूब मज़े से खाना है। सेगमेंट शुरुआत करते हैं करता धरता, और जानते हैं कि ये डील, ये ऑफर कब तक चली, आइए मेरे साथ। जो दो सीख हैं वो एक सीख में कन्वर्ट हो जाएगा, और चेस्ट की जगह पे लेग टिक्का हो जाएगा। पराठा दो हैं और वो एक हो जाएगा हाफ प्लेट में, और ये 1000 रुपये का पड़ेगा आपको, 10% डिस्काउंट के बाद 900 की पड़ेगी। 10% डिस्काउंट सब पे चल रहा है, ऐसे ही सब पे चल रहा है। और जो इन सबसे बड़ा प्लेटर जी, बड़ा प्लेटर भी हमारे पास वो 3500 रुपये का, 6 से 7% का,
और वो उस पर भी फुल सीखें लग जाती हैं जी, उसमें फुल सीखें लग जाती हैं और 6-7% आराम से इसमें इजीली खा जाते हैं। अच्छा, जो फुल प्लेटर है उसमें दो की जगह चार चार सीखें होंगी, चार सीखें बिहारी बोटी, चार रेशमी कबाब, चार सी कबाब, चार मलाई बोटी और दो टिक्के ऐड हो जाएंगे। ये आपको पड़ेगा 3500 की बजाय, आप इस पर 10% खुद ही लगा लीजिएगा जो भी हिसाब बनता हो, उतने का पड़ेगा, प्लस चार पराठे चार चपातियाँ। हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा। ये डिस्काउंट एक महीने का है और बाकी प्लेटर तो चलता रहेगा, डिस्काउंट 1 मंथ। 10 जुलाई 15 जुलाई तक इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान मैच हारा था जीता था पता नहीं क्या हुआ था। जी जी, डिलीवरी वाले अवेलेबल है, नंबर 03149969611। और किस टाइम पर मंगवाएं आप? शाम 7 बजे से रात को 3 बजे तक आप मंगवा सकते हैं जी, मतलब मैच हारने से पहले मंगवा। आप मैच हारने से पहले ही मंगवा सकते हैं। लोकेशन ये शादमान टाउन है, A6 शादमान टाउन। ये तो आपने लोकेशन यहाँ की बता दी है, जो लोग डिलीवर होगा उनको कहाँ कहाँ किन किन एरिया में चले जाएगा? एरिया वाइज तो यहाँ नॉर्थ काजी साइड हर जगह पे हो रहा है पूरे। जी जी, गुलशन इकबाल यहीं तक हो रहा है, गुलशन इकबाल साइड से अगर कोई आना चाहता है तो उनके लिए आसान है। नागनगा पुल चढ़ें, जैसे ही नीचे उतरेंगे लेफ्ट साइड पे पहले कट पे ही आपको पड़ेगा ये हैदर फोर्ट। इससे आसान लोकेशन है शादमान का कब्रिस्तान, इससे आसान कोई लोकेशन नहीं हो सकती। बड़ा खामोश पुरसकून सी जगह है, सबने यहीं पे आना है बाद में, सही अपने अपनी जगहों पे जाना है। तो आप ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बिल्कुल बराबर में जो है ये बना हुआ है भाई, आप यहाँ पे आए हैदर फास्ट फूड पे, शादमान में बहुत मशहूर है। इसके अलावा लोगों से ये बात करते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं खाने के हवाले से, टेस्ट के हवाले से क्या बातें हो रही हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बेबी बैठी है यहाँ पे, और इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही बैठी हैं बस। ये इनको आज खाना नहीं था, इनका मूड नहीं था, आज इनको यहाँ पे लेके आ गए और पेरेंट्स बैठे हुए सब जो है वो खाना खा रहे हैं। सर कैसा लग रहा है, क्या चीज़ खा रहे हैं और क्या चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ की? यार अभी तो फिलहाल हलीम और रोटी खा रहे हैं। और इसके अलावा मतलब यहाँ पे जो आके खाते रहते हैं वो क्या चीज़ बहुत मशहूर है, क्या अच्छा लगता है? फास्ट फूड अच्छा है यहाँ का, ब्रोस्ट वगैरह अच्छा है, ब्रोस्ट भी अच्छा है, ब्रोस्ट भी फास्ट फूड बहुत अच्छा है। फास्ट फूड में जिंगर बड़ा अच्छा है सुना, जिंगर और पिज़्ज़ा। जी, जिंगर पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। आइए और आगे लोगों से बात करते हैं। तो भाई ये बताएं कि क्या खाने के लिए आप लोग आए यहाँ पे? अभी फास्ट फूड और यहाँ का बारबेक्यू ट्राई करना है। क्या चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, फास्ट फूड या बारबेक्यू? बारबेक्यू, ऑब्वियसली बारबेक्यू। क्या पसंद है आप? बारबेक्यू में हर चीज़, रेशमी कबाब होते हैं यहाँ के, यहाँ की सीख बोटी, सीख कबाब काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा, ये जो बारबेक्यू आप कह रही भाई, प्लेटें वगैरह ट्राई किया आपने यहाँ? जी, प्लेटर ट्राई किया है, अच्छा होता है काफ़ी। कैसा लगा आपको प्लेटर? प्लेटर हम लोग खा के मतलब खाते हुए आ रहे हैं, तकरीबन 15-20 साल हो गए हम लोग यहाँ से खा रहे थे। मैं छोटी सी थी तो हम लोग यहीं पे आते थे। मतलब घर में क्यों नहीं बनाती आप खाना? इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि करीब इतनी अच्छी जगह खाने की मौजूद है। ये अच्छा, एक तो ये भी बहाना होता है ना, घर में गैस नहीं आ रही, बंदा बाहर निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, यही वजह है। अक्सर ये बहाने कर रही होती है, ये बहाने क्यों करती है खवातीन, आगे तो पूछना था। जब गैस नहीं होती है तो ऐसा ही होता है, बाहर से मंगाना पड़ जाता है। बंदा पहले से बना के नहीं रखता, यार चलो मैं बनाया हुआ, मैंने कोई बात नहीं। आजकल गैस की टाइमिंग का कभी कभी नहीं होता पता, तो मंगा लेते हैं बाहर से। अब तो सबको टाइम पता है, खाने वाने के लिए आते रहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे आते हैं, कैसा लगता जाएगा? अच्छा लगता है, अच्छा होता है, खाना वाना सब अच्छा होता है। महीने में कितना खर्चा हो जाता होगा? महीने में तो नहीं, हम तो बहुत टाइम बाद आते हैं, 6 महीने में, साल में, इस तरह मैं तो बहुत कम निकलती हूँ, बच्चों का पता नहीं। वो यहाँ बच्चे आते रहते हैं, आप बड़ा कम निकलती हैं? हाँ मैं कम आती हूँ। अच्छा जी, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक फैमिली इस वक्त खा रहे हैं जिंगर और मुझे देख के रुक गए और ये जिंगर खा रहे हैं। कैसा लगा जिंगर आपको? ठीक लगा, इनसे मजे का है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का अच्छा लगा जाएगा। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आप बताएं कैसा लगा आपको? मैंने तो अभी खाया ही नहीं, खाया ही नहीं अभी, हमें देख के मजे का है जी। क्रिंची क्रिंची खाने के मूड में आते हो ना आप लोग लेके आते हो बाबा को? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, छत पे बैठ के खा रहे हैं? अच्छा नहीं, मज़े का, हम काफ़ी दफ़ा आए हैं यहाँ नीचे, लेकिन ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं। ऊपर कैसा लग रहा है छत पे बैठ के खाने? मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी हवा है, ऊपर खाने में सुकून है, सुकून से खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बारबेक्यू की, यहाँ पे जो लोग मतलब खाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बड़ी पराठा लगा भाई, छोटी भी लगवा लें? वली खान का बड़ी पराठा लगा, बड़ी वली खान की बड़ी पराठा लगा और फिर उसके वली खान की छोटी पराठा लगा। हाँ सही है भाई, यहाँ कबाब पराठा लेने आए हैं। कबाब पराठा, कबाब पराठा जी, कैसा लगता है कबाब? कबाब अच्छा लगता है, लाजमी बात है, ये थोड़ा सा फ्राई चीज़ बड़ी अच्छी आपको पसंद है यहाँ पे? बारबेक्यू टिक्का भी अच्छा है और कबाब वगैरह और बोटी कबाब वगैरह, चिकन बोटी वगैरह, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। मजे के जायके में, जायका लाजमी बात है, घर के जो सालन होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आपको देखा मैंने, इसलिए पूछूं ज़्यादा
अरे वाह यार, क्या बात है, मुझे देख के भी लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं पता नहीं क्यों खुश नहीं होते वो। खैर ये बताएं कि क्या चीज़ बड़ी अच्छी लगती है आपको? यहाँ इनके बारबेक्यू बहुत अच्छा है और इनके फिंगर फिश है बहुत अच्छी है। गर्मियों में फिंगर फिश तो खैर मेरे ख्याल से कोई नहीं खाएगा, लेकिन इनके फिर भी खाते हैं, टेस्ट अच्छा है। फास्ट फूड भी बहुत अच्छा है। आपको क्या चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, फिश, फास्ट फूड या बारबेक्यू? इनके चिकन टिक्का और चाइनीज़ और क्या ये जिंगर बर्गर बर्गर वगैरह बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स कैसे लगी डील हमें जरूर बताइएगा। हमने आपके लिए भरपूर सा प्लेटर निकाल के दे दिया है जो कि आपको बहुत ही सस्ते के रेट के हिसाब से आपको मिल रहा है। इसी के साथ आपको क्या करना है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।